जोड़ के उसको सुना सुना के बोल रही है, आज तो बड़ा अच्छा माखन निकाला है, मथुरा जाके बेचूंगी, बड़े दाम मिलेंगे, बड़ा पैसा मिलेगा। देवर के मुंह में आया पानी, देवर दौड़ के गया। कन्हैया कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होके बांसुरी बजा रहे थे, ग्वाल बाल सामने खड़े थे। अरे ओ कन्हैया, अरे भैया, आज हमारी भाभी ने बड़ो अच्छो माखन निकालो है, चल आज घर चल। अरे नाना भैया, कल ही तो आए तेरे घर से, तेरी भाभी की का हालत भई तेने देखी नहीं। ते कन्हैया, वो बात तो ठीक, पर आज जैसा मक्खन ना भूतो ना भविष्यति, ना तो कभी ऐसा हुआ ना होगा, इतनी बढ़िया महक है। लाला आज तो चल, तू हमारे साथ है तो कुछ खराब नहीं हो सकता। सबको लेके चल पड़े। अब प्रभावती ने क्या किया, बाहर से किसी से कह के दरवाजा लगवा लिया ताकि पता लगे कि प्रभावती घर पर नहीं, और खुद घर अंदर जाके छुप गई और माखन की मट्टी से घंटी लटका दी कि जब कन्हैया आएगा माखन चुराएगा, घंटी बजेगी और मैं उसको जट से पकड़ लूं। कन्हैया आए, दरवाजा खोला, लगा कि प्रभावती तो गई, घंटी लटक रही थी। ठाकुर जी ने घंटी को कहा कि देख घंटी, हम हैं तेरे स्वामी, तू है हमारी दास, इसलिए जब हम माखन चुराएं तो तू बजियो मत, हमारी बात को टालियो मत, कह के माखन चोरी प्रारंभ। ग्वालान ने मटकी में हाथ दियो, घंटी नहीं बजी। ठाकुर जी ने हाथ दियो, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाल निकाल के सब ग्वालन को खिलायो, घंटी नहीं बजी। ग्वालन ने घंटी पकड़ पकड़ के खूब हिलाई, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाल के जैसे अपने मुख में दियो, घंटी तुरंत बज गई। जैसे घंटी बजी, प्रभावती अंदर ते दौड़ के आई और आके जट सेवाने कन्हैया को पकड़ ली। अरे चाची, तू यही दुबकी पड़ी थी? बोले हाँ, तू अपने आप को चालाक समझे, मैं तोते भी ज्यादा चालाक। अरे चाची, तू तो सचमुच बड़ी चालाक है। अच्छा रुक, एक मिनट रुक, क्या घंटी तेने बतरा लंदे, याने बड़ो धोखो दियो। क्यों री घंटी, तोते का कही हमने कि जब माखन चुराए तो तू बजियो मत, फिर क्यों बजी तू? तब घंटी ने उत्तर दिया तो ठाकुर जी चुप हो गए। घंटी बोली, प्रभु आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन नहीं किया, आपने कहा जब मैं माखन चुराऊ घंटी नहीं बजना, तुमने माखन चुराया मैं नहीं बजी, ग्वालाओं को खिलाया नहीं बजी, ग्वालाओं ने पकड़ पकड़ के मेरा सर फोड़ दिया तो भी नहीं बजी, पर प्रभु वेदों का शास्त्रों का वाक्य है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी तो अवश्य बजती है, इसलिए मैं बज गई। वाह वाह घंटी, आज तो तू भी धोखा दे गई, आज तो मैया के सामने बंडा फूटेगा, पर चिंता किस बात की, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है, अभी घबराना क्या। प्रभावती घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ के चल पड़ी है यशोदा के महल की ओर, पीछे पीछे पूरे ग्वालाओं की शोभा यात्रा आ रही। अध्यक्ष जी फंस गए आज। अब आगे आगे चलती गई, लेकिन बीच रास्ते में कन्हैया ने प्रभावती को बुला रही, चाची देख तेरे हाथ कितने कठोर है और मेरे हाथ देख कितने नाजुक से है, इतना कस के पकड़ रखा, हाथ डूब गए। अच्छा ये हाथ छोड़, ये हाथ पकड़। प्रभावती ने हाथ छोड़ा, पीछे शोभा यात्रा में सबसे आगे प्रभावती का देवर चल रहा था। देवर को लड्डू बड़े पसंद थे। ठाकुर जी ने इशारा किया, छोड़ा या देवर? बोले नहीं आऊं। बोले इधर आ, अपनी मैया ते मोती चूर के लड्डू बनवाऊंगो। लड्डू को नाम सुनो तो देवर भागो भागो आए। जैसे आयो ठाकुर जी ने बाप को हाथ
प्रभावती के हाथ में पकड़ाया और बोला चल चाची। अब चाची को तो घूंघट करो वे इतनो लंबो लंबो, घूंघट के फायदे भी नुकसान भी, फायदे भी कथा में आगे घूंघट करके बैठ जा, सो रहे कि सुन रहे किसको पता। चाची चल कर अब पीछे से ठाकुर जी भाग के मैया यशोदा की गोदी में जाके बैठ, और मैया यशोदा की गोदी में बैठ कर मैया को कह रहे मैया ये जो गोपी सताती है झूठ बोलती है तू मानती है इनकी बात। मैया बोली बिल्कुल नहीं, मेरो छोरा इतनो सीधो साधो सो है। मैया ये गोपी बड़ी चालू है, अभी मोकू मेरे ग्वाला ने बताई प्रभावती आ रही है तेरे डोरे, मैंने सोची कि तो कुछ सच्चाई पतो चल जाए या ताई मैं पहले ही तेरे पास आ गई। मैया बोली आंदे तू प्रभावती आज छोड़ूंगी नहीं। लाला बोले हाँ अब मोर्चा तैयार है, अब आने दो, अब कोई दिक्कत नहीं, सब पटा लिया पहले से। प्रभावती चाची आवाज लगाती लगाती नंद महल पहुंची, अरे ओ यशोदा मैया जनेक तनिक बाहर तो आ, देख अपने लाला की करतो। मैया बाहर आई, मैया ने कही अरे प्रभावती घूंघट ऊपर कर, ऊपर कर लियो। हाँ मैया अब भी नहीं मानेगी क्या? बोले मेरी लाला को आगे तो तनिक कर, मैं भी तो वाको चेहरा देखू, जैसे आगे करो और जैसे देखो देवर को बस। अरे तू यहाँ गाते आ गए? अरे चाची लगे रात को तू ढंग से सोई नहीं, दिन में भी कृष्ण के सपने देख रही है। अपने घर में माखन खानो कौन सी बुरी बात है, पकड़ के मुंह खुली आई। चाची तो करे क्या, मैया के पीछे कन्या खड़े खड़े अंगूठा दिखा रहे और बोले प्रभावती आज पकड़ने की कोशिश करी, आज तू देवर का ही हाथ पकड़ाया, अगर फिर पकड़ने की कोशिश करेगी तो खसम का हाथ पकड़ा दो, फिर लेके घूमियो पूरे ब्रज में कि कन्या को पकड़ लाई, कन्या को पकड़ लाई। बेचारी प्रभावती उसी दिन से ठाकुर जी के प्रेम में बंध गई, माखन नहीं चुराया भगवान ने उसका मन चुरा लिया, हो गई कृष्ण की। हर गोपी माखन के साथ साथ अपने दिल को ठाकुर जी को दे बैठती थी, फिर जीना मरना सब दुर्लभ हो जाता, 24 घंटे फिर कृष्ण नजर आता था। ऐसा ब्रज का आनंद, ब्रज में चारों ओर कृष्ण छाया था, ब्रज की कोयल भी कुहू कुहू छोड़ करके कृष्ण कृष्ण कहने लगी थी, ब्रजवासियों को कृष्ण की आदत पड़ गई थी, उसके बगैर जी नहीं सकते थे। आज ठाकुर जी एक गोपी के घर माखन चुराने आए हैं, आपके हमारे घर भी आए प्रभु माखन चुराने के लिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी कृपा करें और उस आनंद का हमें अनुभव कराएं। उसी भाव की अब कथा को आपने श्रवण किया, आप थोड़ा दर्शन भी करें मन ही मन, अपने आप को थोड़ी देर उरई से गोकुल ले जाइए और प्रभु की उसी दिव्य लीलाओं में भाव से ऐसा विचार करो कि कहीं कन्हैया की उसी समिति में हम भी कहीं ना कहीं उस टोली में शामिल हैं और उनके साथ पूरे ब्रज में गोपियों के घर जा रहे हैं माखन चोरी करके। सभी भाग से हो जिति चोर मेरो माखन हाय गयो री, 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 हाय गयो री, हाय चोर मेरो माखन आए गयो री।
जाएगा ऐसे बैठे बैठे तो। जब तक ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं दोगे अपने घर के लिए आएंगे कैसे ठाकुर, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे बिन बुलाए, बुलाना तो पड़ेगा। इसलिए भाव से नृत्य करते हुए तालियों की सेवा करें। चोर मेरो मापन हाय गयो रे, चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे, चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे, हाय गयो रे मुसे काय 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 गयो रे, ओ पछु बंदर को खबाए गयो रे, हां पछु बंदर को खबाए गयो रे, ओ चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे, चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे, चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे, चित चोर मेरो मापन हाय गयो रे। और हाथ उठाकर ताली बजाते बड़े भाव से सेवा करिए। खायो ग्वालन को खबायो, आप खायो ग्वालन को खबायो, माखन को माट लुड़काए गयो रे, हां माखन को माट लुड़काए गयो रे, ओ माखन को माट लुड़काए गयो रे, ओ माखन को माट लुड़काए गयो रे, उचित चोर मेरो माखन हाय गयो रे, चित चोर मेरो माखन हाय गयो रे, ओ खाय गयो रे खाय गयो रे खाय गयो रे खाय गयो रे, ओ खाय गयो रे खाय गयो रे खाय गयो रे खाय गयो रे, कछु बंदर को खवाए गयो रे, हो कछु बंदर को खवाए गयो रे, चोर मेरो माखन हाय गयो रे, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, आप खायो औरन को खवायो, 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 कछु बंदर को खवाए गयो रे, कछु बंदर को खवाए गयो रे, चित चोर मेरो मापन खाए 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 गयो रे।
वृंदावन की कुंज गल वृंदावन की कुंज गल तिरछी नजरिया चलाए गयोरी तिरछी नजरिया चलाए गयोरी तिरछी नजरिया चलाए श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को, ब्रज ग्वालाओं को इस माखन चोरी लीला के द्वारा आनंद प्रदान किया है। इस लीला के द्वारा ब्रज में और प्रेम बढ़ा और भाव बढ़ा, लेकिन इतना अवश्य है इस लीला को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। अगर इस लीला में ज्ञान को मिलाया जाए तो बुद्धि आगे आ जाती है कि परमात्मा होके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये बात जो है, ये लीला जो है, ये ज्ञानियों की समझ से परे है। इसको सिर्फ एक प्रेमी समझ सकता है और कोई नहीं। प्रेमी के भाव के द्वारा ही इस प्रेम भरी लीला को समझा जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है इसको समझने का। आप विचार करो, सोच के देखो, आज से आज भगवान की लीला को विश्राम हुए लगभग 5200 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज 5000 वर्ष बाद भी अगर हम उन लीलाओं को सिर्फ सोचें, यहाँ बैठ के सिर्फ सुने, तो एक आनंद आ जाता है, एक अपने आप में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब 5000 वर्ष बाद इतना आनंद आ सकता है तो जिस समय ये लीलाएं हुई हैं उस समय ब्रजवासियों का क्या हाल हुआ। वास्तविकता में जब ठाकुर जी ने ये सब लीलाओं को दर्शन कराया है ब्रजवासियों को, तो कितना आनंद रहा होगा। इसलिए भगवान की इन लीलाओं का श्रवण कराते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को आगे की कथा श्रवण कराते हैं। भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हुए। अब ठाकुर जी ने सोचा, बहुत चोरी कर ली, बहुत छिनारी कर ली, अब कुछ काम धंधा भी करना चाहिए, क्या करें। मैया से हट पकड़ी कि मैया मैं गैया चरावे की तई जाऊंगी।
अब मैया तो बोली वाली सी बोली, अरे 5 वर्ष को मेरो कन्हैया, 5 वर्ष 2 महीना ठाकुर जी की उम्र थी, अरे लाला कई दिन गैया चराते भाई, कई गैया ने तेरे पाम पे पाम रख दियो, तो लाला कई ने सींग मार दियो, पूछ मार दी। ना ना अभी लाला तू छोटो है, थोड़ो बड़ो है जा, फिर गैया चलनी। और वैसे लाला तो तू तो बड़ो राजा बनो है, पढ़ाई लिखाई करनी है, खूब नाम कमानो है। लाला बोले भैया हमको ना कोई कछ पढ़ाई पढ़ाई करनी, हम तो गैया चराएंगे और ऐसे ही रहेंगे। भैया बोली हाँ तू पूरा गोबर गणेश ही रहे हो, कछ पढ़ लिख ले, कोई छोरी नहीं देगो अपनी। बोले भैया बाकी तू चिंता मत कर, आगे सब तैयार है, एक ना इतनी आएंगी कि गिनती गिनती थक जाएगी। हमारे ब्रज में एक संत है, वो ऐसे ही विनोद में कहते हैं कि ग्वारिया को छोरा तो ग्वारे ही बनेगो, काका कलेक्टर बनेगो। अब ग्वारिया को छोरा है, नंद को छोरा है, तो ग्वालपनो ही सीखेगो। जोर से रोने लगे, मान कर लिया मैया से कि जो भी हो आज से गैया चराऊंगा। मैया बोली अरे लाला मैंने तो सोची कि जब कन्या को भेजूंगी तो मुहूर्त दिखवाऊंगी, बड़ो उत्सव रखूंगी, और ऐसे कैसे। बोले भैया आज ही मुहूर्त निकलवा दे। सांडिल ऋषि को तुरंत बुलाया गया, निमंत्रण दिया, वो आए। महाराज बड़ा जिद कर रहा है, आप जरा अपना पोथी पत्रा देखो, जरा बताओ कौन सा मुहूर्त बढ़िया है। बाबा अपना पोथी पत्रा खोल के बैठे, ठाकुर जी ने नजरों से इशारा किया बाबा को, बाबा कुछ ऐसा बता दो मैया को कि आज से बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं। तो सांडिल ऋषि ने अपना पन्ना घुमाया, बोले मैया तेरो लाला तो बड़ो समझदार है। क्यों बाबा कहा भयो। बोले मैया यू तो मुहूर्त देख के ही रोयो है, ऐसो मुहूर्त निकालो मैया ना तो कभी हुयो ना कभी होएगो, आज को सबते शुभ दिन है, आज भेज दे अपने लाला को गौचारण के लिए। अब बाबा ने कह दी तो मैया मना कैसे करे। तुरंत उत्सव का आयोजन तैयार किया गया, मैया सुंदर चरण पादुकाएं लाई, लाला के पांव में पहनाने लगी, छोटी छोटी सी पनैया है। लाला बोले ना मैया मैं पादुका नहीं पहनूंगो। क्यों लाला। बोले मैया का तू मेरी 9 लाख गैया के ताई सोने के खुर पनैया बनवा सके। अरे लाला कैसी बात कर रहे। बोले हाँ मैया अगर मेरी गैया नंगे पांव घूमेगी तो मैं भी पूरे ब्रज में नंगे पांव ही घूमूंगी, अगर ये बिना छत्र के चलेगी तो मैया मैं भी बिना छत्र के ही चलूंगी, और पूरे ब्रज में ठाकुर जी नंगे पांव बिन पादुकाओं के जब तक ब्रज में रहे ठाकुर जी ने पादुकाएं धारण नहीं की। क्यों। बोले ब्रज की जब ठाकुर जी निकलते थे तो गोपियां राह में अपना दिल बिछा के बैठती थी, और मैया भला उनके दिलों पर मैं चरण पादुका कैसे रख सकता। ये वो ब्रज धाम है जहां प्रभु के चरणों का एक झलक पाने के लिए देवता लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कब लक्ष्मी जी की चुन्नी हटे और प्रभु नारायण के चरणों की झलक मिल जाए। लेकिन इस ब्रज धाम में आकर के वही चरण इतने साधारण बन गए कि नंगे पांव कंकड़ पत्थरों में प्रभु घूमे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ये ब्रज धन्य है, वैकुंठ से भी ज्यादा धन्य है। वैकुंठ में नारायण का जन्म नहीं होता, ब्रज में हुआ। वैकुंठ में कोई 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 प्रभु विष्णु के कंधे पर हाथ नहीं रख सकता, ब्रज में रखा, कहा कि कन्हैया चुपचाप घोड़ा बन, खेल खेलते हैं। ठाकुर जी हार गए, बारी आई पोत देने की जिसको ब्रज भाषा में बोलते हैं, और ठाकुर जी अब अपना ऐश्वर्य दिखाने लगा, अरे मैं पोत दूं, अरे मैं तो नंद का छोरा हूं। एक ग्वाला बोलो खेलन में को काको घुसाई, अरे भैया खेलने में कोई काई को मालिक नहीं, कोई राजा नहीं, यहां तो सब बराबर, चुपचाप नीचे बैठ। और कन्हैया को झुका के ऊपर बैठ गई कान पकड़ के। ये कौन कर सकता है, क्या ब्रह्मादि देव किसी की हिम्मत है कि ठाकुर जी का कान पकड़ सके।
गर्ग संहिता में वर्णन है, एक बार ब्रजवासियों के मन में आया कि कन्हैया तू वैकुंठ से आया है तो कम से कम, भागवत का नहीं गर्ग संहिता का वर्णन, कि वैकुंठ का एक बार कम से कम हमें दर्शन तो करा दे, हमने सुना है वहाँ बड़े लोग रहते हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, हम भी देखा है। तो ठाकुर जी सब ग्वालान को लेके पहुंच गए अपने वैकुंठ में। वैकुंठ में पहुंचे, अब वहाँ देखा बड़ी लंबी कतार लगी है, कोई पंखा कर रहा है, कोई चवर डुला रहा है। अब सब देख रहे, आपस में कह रहे, चोरे भैया यहाँ कन्हैया कहाँ रहे हैं? तो सब इधर उधर देख रहे, ऊपर देखा शेष नाग पर प्रभु नारायण देखे, एक चिल्लाए, अरे भैया देखियो जरा ध्यान से, यहाँ की शक्ल तो अपने कन्हैया के जैसी है। बोलो हाँ, अरे कन्हैया के जैसी, कन्हैया ही है यू, अरे वो कन्हैया, बड़ी जोर से चिल्लाए, क्योंकि ब्रज की तो आदत है ना हेला दे के बुलाने की। ब्रज की कहावत है बोलंत हेला वचनंत गारी, हेला दे के बुलाएंगे और जब भी बात करेंगे तो बिना सारो कहे तो ठाकुर जी से बात नहीं करेंगे, गाली तो हर बात में तैयार रहते हैं। जोर से चिल्लाए, अब वहां द्वारपाल खड़े थे, उन सबने कहा चुप, यहां तेज आवाज में बात नहीं करना, आवाज नीची करो, यहां ज्यादा बोलना नहीं। अब सब चुप हो गए, बोले सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, प्रभु श्री नारायण खड़े हैं। अब कान पकड़ने वालों को तुम हाथ जोड़ने के लिए कहो तो बड़ा अजीब लगे, वो तो बड़े अब मन ही मन सोच रहे कन्हैया कहाँ जेल खाने में ले आया, इससे बढ़िया तो अपने ब्रज में बढ़िया थे, जब मन करे जब कान पकड़ो, जब मन करे पीठ पर बैठो, अरे भैया या जेल खाने थे हमको बाहर निकाल, कहा करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, ऐसा ऐसे वैकुंठ को हजारों बार त्याग दूं जहाँ ब्रज का शुद्ध भाव नहीं। हमको तो भैया ब्रज में ही लेके जा, हमें तो वही कन्हैया पसंद है। और प्रभु ब्रज में सबको वापस लाए। तो कहने का अर्थ है कि ब्रज का जो भाव है वो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा शुद्ध है, निष्काम है, भाव से भरा हुआ है, उसमें कोई मिश्रित भाव नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दंभ नहीं है, बस भाव है, प्रेम है और कन्हैया के प्रति बहुत बहुत भक्ति है। उसी प्रेम का आभास कराते हुए श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासियों पर कृपा की है, प्रभु ने गौचारण प्रारंभ किया जिसको आप हम सब गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं। एक दिन प्रभु वन भोज का आयोजन किया गया, हमारे समक्ष सभी विप्रगण आए हैं, यज्ञ शायद जो अपना सेवा दे रहे हैं यज्ञ में, तो सभी को मेरा प्रणाम है और व्यासपीठ की ओर से सबका अभिनंदन है। तो भगवान ने आज वन्य भोज का आयोजन किया, सब ब्रजवासियों को कही कि कल सब अपने अपने घर से माल बना के लाएं, जाकू जो बढ़िया लगे, जाकू जो मिष्ठान बढ़िया लगे, चकाचक भोजन करें। पंडित आए हैं तो चकाचक भोजन की बात तो होगी ऐसा मानना है, आप सब जाके भी है लेकिन हमारे ब्रज का मानना है कि ब्रज के जो विप्रगढ़ होते हैं, पंडा होते हैं, वो खाने में बड़े आगे होते हैं, ऐसे ऐसे खाने वाले होते हैं कि वो खीर कटोरियों में नहीं खाते, सीधा बाल्टी को ही मुंह में लगा के और आनंद से चकाचक भोजन होता है। तो बोले कल सब अपने अपने घर से भोजन लाएंगे, सब लोग सब ग्वाल वाल अपने अपने घर से भोजन बना के लाए, सब गोल चक्कर लगा के बैठ गए, अपने आगे आगे भोजन रखा, कोई मालपुए लाया है, कोई गुलाब जामुन लाया है, कोई जलेबी लाया है, कोई रसमलाई लाया है, कोई लड्डू लाया है मोतीचूर के घी में चकाचक, सब बैठे। अब ठाकुर जी की आदत क्या थी, ना वो अकेले खाते ना खाने देते, भगवान
किसी का अच्छा लगा भोजन वो उठाया ग्रहण किया, अपना भोजन लिया किसी के मुंह में डाल दिया, किसी की आधी रोटी ली उसको खा लिया। अब प्रभु ने देखा कि सब बैठे हैं, मनसुखा कहीं नहीं दिखा। चोरे वालों को आज मनसुखा नहीं आयो का, ले नाना कन्हैया आयो तो थो पर क्या करे आज वाकी मैया ने वाकू कुछ बना के नहीं दियो, बेचारो बस एक छोटी सी मटकी में थोड़ी छाछ लायो है तो शर्म आ रही है तेरे सामने आने में। चुपचाप देख वह पेड़ के पीछे छुप के पी रहे हो, मोते शर्म आ रही है, अभी रुक अभी बताओ। और ठाकुर जी 56 भोग छोड़ करके मनसुखा की ओर दौड़ पड़े। मनसुखा ने देखा कन्हैया आ रहा है, इसलिए जल्दी 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 सारी छाछ पीने लगा, पूरी छाछ पी गया, बस मुख में थोड़ी छाछ बची थी, दोनों गाल फूले हुए थे। प्रभु आए, मुस्टिक बनाया, उसके गाल पर जोर से प्रहार किया, छाछ निकली, और जैसे छाछ निकली ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और उसको भगवान ग्रहण कर। ब्रह्मा जी वही छुप के देख रहे थे, ब्रह्मा जी के चारों सर घूमे, कहा वेद वेदांत पवित्रता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, कहां ये कहा जाता है कि ठाकुर जी का भोग भी बनाओ तो अपरस में बनाओ। अपरस माने जब आप रसोई घर में प्रवेश करो, स्नान करो, वस्त्र बदलो, अंदर रसोई घर में कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि आप बोले तो कुछ झूठा कन भोजन में ना गिर जाए, इसलिए मौन रह के भोजन में। इतनी पवित्रता और कहां यहां देखो। ब्रह्मा जी ने सोचा ये सचमुच वही भगवान है भी के नहीं जिसको हम क्षीर सागर में प्रार्थना करने गए थे, कोई पवित्रता नहीं स्वच्छता नहीं, आया झूठा खाया, झूठे हाथ गंदे हाथ, भोग लगाया नहीं, बस हो गया शुरू। परीक्षा देखो कृष्ण लीला कितनी गंभीर है, इसको ब्रह्मा नहीं समझ पाए, जिन्होंने खुद प्रार्थना की थी कि प्रभु आप अवतार लो, तो अगर आज का कोई साधारण मनुष्य भगवान की लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण लीला हर किसी के समझ वाली बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने वत्सों को चुराया और ग्वालाओं को चुराया, चुरा के अपने धाम ले गए। भगवान ने आग बंद की, पता चला ब्रह्मा जी की करतूत है। ठाकुर जी ने सोचा कि हे ब्रह्मा जी आप शायद भूल गए, आपने दुनिया बनाई है अवश्य, लेकिन आपको बनाने वाला भी कोई और है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा अपने अनेकों रूप धारण किए, प्रभु स्वयं ग्वाला बन गए, बछड़ा बन गए, ग्वालाओं के वस्त्र तक बन गए, जीव निर्जीव हर वस्तु भगवान बन गए। एक वर्ष तक प्रभु रोज आते, गैया चरा के वापस घर चले जाते, किसी को आभास नहीं हुआ ये असली ग्वाला असली बछड़े नहीं। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो हम भी देख के आए कि उस कृष्ण की क्या हालत है, एक वर्ष हो गया। तो जैसे ब्रह्मा जी आए पृथ्वी पर, आके देखा कि ठाकुर जी खड़े हैं, साथ में ग्वाल बाल खड़े हैं, सब बछड़े खड़े हैं, भगवान सबके साथ आनंद ले रहे। ब्रह्मा जी को लगा कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे, कहीं ये वहां ब्रह्मलोक से चुरा तो नहीं लाए। तुरंत दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में गए, वहां जाके देखा वहां भी वही ग्वाला वही बछड़े, फिर पृथ्वी पर आए वही ग्वाला वही बछड़े। अब ठाकुर जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी को कुछ तो सिखाना ही चाहिए, इसलिए जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंचे, और जितने द्वारपाल खड़े उनको समझा रहे देखो अभी हम धरती से घूम के आए हैं, हमने देखा है धरती पर आजकल बड़े ब्रह्मा घूमते हैं, जिसको देखो सब अपने आप को ब्रह्मा कहता है, जिसको देखो सब अपने आप को ब्रह्म बताता है, कोई यहां आए और आके तुमसे कहे ना कि ब्रह्मा हूं, मानना तो छोड़ो धक्के दे के भगा और दे। हाँ हाँ महाराज जो आ गया।
ठाकुर जी बोले हाँ अब आने दो, असली आनंद आए। ठाकुर जी अंदर जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी बिचारे हारे थके आए आके, जैसे प्रवेश करने वाले थे द्वार पर लाठी लगा के खड़े हो। बोले महाराज आपका प्रवेश वर्जित है। अरे मूर्खो, अपने मालिक को डंडा लगा के खड़े हो, रोज आते थे सलामी ठोकते थे, तुम डंडा लगा के खड़े हो, क्या भांग पी ली, कोई नशे में हो, मुझे नहीं पहचानते, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपाल बोले हाँ हाँ हाँ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, बहुत घूमते धरती पर तुम्हारे जैसे, गिनती नहीं उनकी, हमारे असली वाले तो भीतर बैठे, और पहले ही हमें समझा पड़ा दिया कि कोई आए तो घुसने बन गया। ब्रह्मा जी ने सोचा लो गद्दी, भगवान से शत्रुता मोल ली वो अलग, ऊपर से गद्दी भी गई, ये कौन ब्रह्मा आया। आंख बंद की, अंदर देखा श्री ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के हाथ में बंशी लेके बजाते हुए मुस्कुरा रहे। अब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, दौड़ के आए प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए, त्राही मां हे गोविंद, बहुत बड़ी भूल हो गई, ब्रजवासियों के प्रति आपके प्रेम को जानता नहीं था ना, इसलिए पता नहीं था कि आप ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हो। एक प्रार्थना बस प्रभु, मुझे ब्रह्मा का पद दे के आपने बड़ा सस्ते में निपटा दिया। अरे ब्रह्मा जी क्या बात करते हो, ब्रह्मा का पद है आपके पास। बोले प्रभु ऐसे हजारों ब्रह्मा के पद में ठुकराने के लिए तैयार हूं, बस उसके स्थान पर ब्रज का एक वास मिल जाए, ब्रज में जन्म मिल जाए। हे प्रभु, ब्रज की घास बन करके भी जब ब्रज की गोपी उस घास पर चलती है तो उसके चरणों से वो घास जो मसलती है, उस मसलन में जो आनंद है, वो आनंद मोक्ष में भी नहीं, वो आनंद किसी मुक्ति में नहीं है। पांचों मुक्ति सालों के शास्त्री सामी सबको मैं ठुकराता हूं, उन मुक्तियों में वो आनंद नहीं है जो ब्रज का एक तिनका बन करके मुझे वास तो ब्रज का। बहुत प्रार्थना की, तब पद्म पुराण के अनुसार श्री ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक, सहस्त्र वर्ष तक तप किया था, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को ब्रज में वास दिया। कहां पर ब्रह्मा जी को वास मिला? श्रीधाम बरसाने में, जिस राधा रानी का जो मंदिर है, श्री जी का जो महल है, वो जिस पर्वत पर बना हुआ है, उस पर्वत का नाम ब्रह्माचल पर्वत है। वो पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है, स्वयं श्री ब्रह्मा जी आज भी पर्वत बन के ब्रज में वास करते हैं। भोलेनाथ जी नंदेश्वर पर्वत के रूप में नंदगांव में विराजमान है, और भगवान श्री नारायण स्वयं साक्षात श्री गिरिराज रूप में विराजमान है। तीनों देव ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान है। ऐसी ब्रज की महिमा कब तक कहें? तो भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की है, समय अभाव के कारण हम संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत भगवान ने कालिया पर कृपा की, जिसने यमुना जी के जल को दूषित कर दिया था। कोई भी यमुना में स्नान नहीं कर सकता, जलपान नहीं कर सकता, पूरी यमुना जी दूषित हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने उस यमुना जल को शुद्ध करने के लिए बड़ा सुंदर लीला की है। गेंद यमुना जी में गिरी, भगवान यमुना में कूदते हैं, युद्ध करके कालिया नाग का कृपा की और उसको यमुना जी से दूर किया। एक विशेष बात यहाँ मुझे आप सबसे प्रार्थना करनी है, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और आशा है उसको आप अपनाएंगे और जरूर उसको पूरा करेंगे। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब यमुना जी अशुद्ध हुई तो ठाकुर जी ने कदम बढ़ाया और यमुना जी को शुद्ध किया। 5,000 वर्ष बाद
आज फिर वो दिन आया है जहां यमुना जी पूर्ण प्रकार से अशुद्ध हो चुकी है, पूर्ण प्रकार से। जिस श्रीधाम वृंदावन में हम यमुना जी में स्नान किया करते थे, जिस श्रीधाम वृंदावन में यमुना का जल पान किया करते थे, आज वास्तविकता ये है कि उस वृंदावन तक यमुना जी आती ही नहीं है। यमुना पूर्ण प्रकार से सूख चुकी है। हमारी सबसे प्रथम कथा हुई थी तपोवन में, और उसको जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी, उस कथा के बिल्कुल सामने यमुना जी खूब बहती थी, खूब यमुना का प्रवाह था। लेकिन आज जब 4-5 दिन पहले ही हम ब्रज यात्रा में फिर से उस स्थान पर गए तपोवन पर, वहां यमुना जी का एक बूंद जल नहीं है। उससे आगे वृंदावन में थोड़ा बहुत जल, वो जल कहां से है? जिन लोगों को नहीं पता हो, यमुना जी जो आगे से बहती हुई आ रही है, वो दिल्ली से आगे एक स्थान पड़ता है हथनी कुंड बैराज। उस हथनी कुंड पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक बांध बनाया गया है जहां यमुना जी के जल को पूर्ण प्रकार से रोक दिया गया है। यानी उस बैराज से आगे यमुना का जल बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होता। तो वृंदावन में क्या आता है? वृंदावन में जो यमुना का जल है वो कहां से आया? बोले वो यमुना का जल नहीं है, तो क्या है? वो दिल्ली की सारी गंदगी, सारी गटरों का पानी, सारी नालियों का पानी, दिल्ली के सबसे बड़े कत्लखाने का, जहां हर रोज गौ माता मारी जाती है, उस कत्लखाने का पानी, वो सब कुछ यमुना जी में बहा दिया जाता है। वो वृंदावन तक आता है। कोई स्नान करे तो कैसे, कोई जलपान करे तो कैसे? एक हाँ, अवश्य यमुना जी की पवित्रता अक्षुण्य है। यमुना जी की पवित्रता कभी नष्ट नहीं हो सकती। यमुना जी की पवित्रता नष्ट हुई, यमुना जी की स्वच्छता नष्ट हुई। अब ये समस्या हो गई, उपाय क्या है? क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, यमुना जी को शुद्ध करने के लिए हम वृंदावन जाते, हमसे पंडित जी कहते हाथ में पुष्प लो, संकल्प करो, डाल दो, और हम लोग संकल्प करके लड्डू, फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती सब लेकर के उसमें अर्पित कर देते। हम सोचते कि हम यमुना जी की पूजा कर रहे हैं, हम संकल्प कर रहे हैं, पर आप यमुना जी को दूषित कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो यमुना जी का सच्चा संकल्प हो, तो वहां अंदर कोई फूल पड़ा भी हो उसको उठा के किनारे पर रख दो, ये तुम्हारा सच्चा संकल्प हो। हमने यही किया आपकी बार, पूरी यात्रा में हर स्थान पर हम जाते थे, हर कुंडों पर जाते थे, हर स्थान पर पंडित जी संकल्प कराते थे, पर जो भी पुष्प था हम उसको किनारे पर सिंडियों पर रख देते। आप अपने घर में कोई गंदगी थोड़ी फैलाते हो, तो फिर अपने तीर्थों में गंदगी क्यों? यमुना जी में नियम लीजिए, आप कोई गंदगी नहीं डालेंगे, कोई पुष्प नहीं डालेंगे, उससे यमुना जी खुश होने वाली नहीं। गंदगी को साफ करो तो खुश हो। दूसरा, ये तो एक साधारण बात है, अब यमुना जी को कैद से मुक्त कैसे कराया जाए? यमुना जी अभी कैद है उस हथनी कुंड पर, उसको मुक्त कराने के लिए आज से 1 वर्ष पूर्व शायद मार्च महीने में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था ब्रज के समस्त संतों के द्वारा, जिसका सब कारभार संभाला ब्रज के परम विरक्त संत श्रीधाम बरसाने में जो विराजते हैं, परम सिद्धे श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनके द्वारा उन्होंने ब्रज की बहुत रक्षा की है। और यमुना जी पर बात आई तो उन्होंने फिर प्रारंभ किया, और पिछले माह बड़ी सुंदर एक आंदोलन शुरू किया गया। ब्रज के सभी वक्ताओं को इकट्ठा किया गया, संतों को इकट्ठा किया गया, और वृंदावन से लेके दिल्ली तक जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है उस पर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया था, पैदल यात्रा। वो यात्रा दिल्ली तक पहुंची, हाईवे जाम हुआ, सरकार को सुननी पड़ी। लेकिन गलती सिर्फ एक हुई, जब
दिल्ली तक वो बॉर्डर तक यात्रा पहुंची तो दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि हम यमुना जी के नज़दीक में एक छोटा सा एक और नाला बनाएंगे और उसमें गंदगी को डाला जाएगा और यमुना जी में जल छोड़ दिया जाएगा। बात को मान लिया गया और उस यात्रा को वहीं रोक दिया गया। लेकिन आज एक साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उस कार्य को फिर से प्रारंभ किया गया है। अगले महीने मार्च महीने में 15 मार्च को, तारीख याद रखे, लिख ले, जो भी करो, 15 मार्च को कोसी से लेके दिल्ली तक हाईवे पर एक बहुत बड़ा मार्च निकाला जाना है, पैदल यात्रा। उसमें हजारों लाखों संख्या का अनुमान है, लोगों को अलग अलग स्थानों से बुलाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों से बुलाया जा रहा है। जो सच्चे गौ भक्त, कृष्ण भक्त, यमुना भक्त है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जितनी संख्या रहेगी सरकार को उतना सुनना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब उसमें शामिल हो। बहुत दूर नहीं है, मैं इस ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत दूर है, आज समय है अपनी माँ के लिए कुछ करने का, यमुना मैया के लिए कुछ करने का। इसलिए आप वहाँ पहुँचे, आपके कोई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, कोसी में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, मथुरा में, वृंदावन में, उनको आप प्रार्थना कीजिए वो वहाँ पहुँचे और उस यात्रा में शामिल हो। जितना जितना संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी कार्य पूरा होगा। इसलिए इस तारीख को सब याद रखेंगे, 15 मार्च को आप पहुँच सकते हैं तो संख्या में पहुँचे और अपने जानकार जितने भी हों उन सबको भी बताएं और इसका प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, जोरदार बजा के सहमति दो, अवश्य कीजिए, क्योंकि अब समय है अपनी माँ को कैद से मुक्त कराने का, वरना आगे आने वाले बच्चे यमुना जल के लिए तरस जाएंगे। यमुना जल स्नान आज सबने छोड़ दिया, कैसे करें, हिम्मत नहीं होती। यमुना जी स्वच्छ हो, पवित्र हो, ऐसे ही कल कल छल छल करती हुई बहे, ये हम सबका दायित्व है। भगवान ने भी जब देखा यमुना जी कैद में है, कोई स्नान नहीं कर, तो प्रभु ने कदम उठाया, तो अगर हम उनके भक्त हैं तो हमें भी उठाना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने कालियानाग से यमुना को मुक्त कराया है। इसके उपरांत भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण करके गोपियों पर कृपा की है। भागवत कहती है कि भगवान ने वस्त्रों के साथ साथ गोपी की अविद्या को चुराया है, उन पर कृपा की है। कात्यानी देवी की जो पूजा करती थी, लक्ष्य एक ही था, कृष्ण प्राप्ति। भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के हुए, तब देखा कि आज ब्रज में बड़ी भारी तैयारियां चल रही है, सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, केले के खंभे लगा रहे हैं। पूछ लिया, बाबा ये सब किसकी तैयारी है? बोले, इंद्र की पूजा की तैयारी है लाला, हर वर्ष हम पूजा करते हैं, इस वर्ष भी पूजा है। बाबा पूजा क्यों करते हैं? बोले, बेटा इंद्र हमारा अन्नदाता है। अरे बाबा, इंद्र आपका अन्नदाता कैसे हो सकता है, आपका जीवनदाता कैसे हो सकता है? कर्म ना जायते जंतु, कर्म ने विलियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवाभिपद्यते। बड़ा सुंदर सूत्र ठाकुर जी ने यहाँ दिया है, कर्म को प्रधानता दी, कोई किसी का अन्नदाता नहीं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म मरण सुख दुख सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के द्वारा मिलेगा। बाबा हमारा हमारे इष्ट नारायण है, तो सचमुच पूजा किसी की करनी है तो गौ माता की करो, ब्राह्मणों की करो, और जो नारायण स्वरूप है ऐसे श्री गिरिराज महाराज की पूजा करो। अब नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया ने कहा है तो कोई तो बात होगी, सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। बोले, भैया अब की बार कन्हैया का कहना है कि इंद्र की पूजा छोड़ गिरिराज की पूजा की जाए।
ब्रजवासियों को अपने कन्हैया पर पूर्ण विश्वास था। एक क्षण नहीं लगाया सोचने में, सब तैयार हो गए और सब रथों में बैलगाड़ियों में सामग्री भर के सब श्री गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर चल पड़े श्री गिरिराज पूजन के लिए। ठाकुर जी गिरिराज पूजन करते हैं, एक रूप में प्रभु पूजन कर रहे हैं और एक रूप में भगवान स्वयं पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान में और गिरिराज जी में कोई फर्क नहीं है। गिरिराज समतीर्थम न भूतो न भविष्यति, अद्भुत स्थान है। गिरिराज जी की तलहटी पर प्रभु पूजा करते हैं। आइए आप हम सभी भी अपने अपने स्थान पर बैठ के मानसिक रूप से श्री गिरिराज महाराज का पूजन अर्चन करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भयो, 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 हीरा लाल हो लाल।
सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया है, बड़ी श्रद्धा के साथ अर्चना की है। भगवान ने सब पर कृपा की, एक रूप में भगवान पूज्य बने, एक रूप में स्वयं पूजा की। पूरा प्रसाद गिरिराज महाराज खा गए, प्रसाद आरोगा। लेकिन जब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया हमारो इंद्र देवता तो बड़ो सीधो साधो सो कुछ खावे ही ना, तेरो भगवान तो सब कुछ खा गए, लाला बोले आग बंद करो, बस नेत्र बंद किए और पुनः सारा सब पात्र अपने आप भोजन से भर गए, पूजन हो गया। अब देवताओं ने सोचा कि इंद्र को कैसे पता चला, कौन बताएगा, बोले नारद जी को भेजो, नारद जी थोड़ा बढ़िया से समझा देंगे। नारद जी को भेज दिया गया। नारद जी आए इंद्र के पास, अरे देवराज इंद्र और सुनाइए कैसे आप। इंद्र बोला हाँ महाराज सब आपकी कृपा से बढ़िया है, आप सुनाइए कहाँ से आ रहे हैं। बोले हम तो ब्रजधाम से आए थे, कुछ भंडारा वहाँ चल रहा था, थोड़ा सोचा प्रसाद अपने इंद्र देवता के भी ले जाए, तुम्हारा भी मुंह मीठा करा दे, लो प्रसाद खाओ। बोले भंडारा, किस बात का भंडारा। बोले वो ब्रज में एक बालक रहता ना, क्या नाम उसका, कृष्ण, हाँ उसने अब की बार गिरिराज की पूजा शुरू कराई, सबने बड़ा बड़ा आनंद लिया, खूब जयघोष हुआ। अरे ब्रजवासी तो हर वर्ष मेरी पूजा करते थे। बोले हाँ पर अब तो तुम्हारा पत्ता साफ, अब कोई चांस नहीं। ब्रजवासियों ने उस बालक के कहने से मेरी पूजा को छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया। बस इंद्र को क्रोध आया, सावर्तक मेघों से कहा ब्रज में मूसलधार बारिश करो। ब्रज में मूसलधार बारिश प्रारंभ हो गई, जहां देखो चहु और पानी ही पानी। ब्रजवासी घबराए,